दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग के एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो कि बन चुका है सबसे सस्ता सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन इन्फिनिटी वी नॉच के साथ, और साथ में आपके लिए सरप्राइज भी है। आप जीत सकते हैं ये दो स्मार्टफोन्स। जो ये गिव अवे है इसमें आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है आगे मैं आपको सब बताऊंगा इसके बारे में। आप मुझे बताओ कमेंट्स में, क्या आपने कभी सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाला फ़ोन यूज़ किया है? अगर किया है तो जब आप एमोलेड से नॉर्मल डिस्प्ले में शिफ्ट हुए हो तो क्या चेंज आपको देखने को मिला, कमेंट्स में बताना मुझे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो रेड बटन दबाकर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों ये दो स्मार्टफोन्स आप जीत सकते हैं, सैमसंग गैलेक्सी A20। पहले ज़रा हम बात कर लेते हैं इनकी बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन और डिस्प्ले के बारे में। अगर मैं बात करता हूँ बिल्ड क्वालिटी की, तो ये फ़ोन आता है पॉली कार्बोनेट के साथ, लेकिन आपको दी गई है प्रॉपर ग्लास फिनिशिंग। इससे पहले आपने जैसे सैमसंग M20 देखा होगा, वहाँ पर क्या था कि ग्लास फिनिशिंग तो आपको मिलती थी लेकिन वो देखने में ग्लास नहीं लगता था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको ये देखने में भी ग्लास लगेगा, और जब आप इसको हाथ में लोगे तो भी आपको ये ग्लास जैसी फीलिंग ही देगा। यहाँ पर आपको दोनों साइडों में कर्व मिलता है जैसे कि आप ये देख सकते हैं। इसकी मदद से क्या होगा, जब आप ये फ़ोन हाथ में लोगे तो आपको ये काफ़ी अच्छी ग्रिप देगा। अब जो ये ग्लोसी बैक होती हैं दिखने में तो ये काफ़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन ये होती हैं बहुत ज़्यादा फिंगरप्रिंट मैग्नेट, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब अगर हम फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है इन्फिनिटी वी नॉच के साथ 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले। अब डिस्प्ले इसका वैसे तो काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, और जो व्यूइंग एंगल्स हैं उनमें भी कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बस दिक्कत ये है, ये जो डिस्प्ले है ये फुल HD+ नहीं है, ये आपको मिलता है HD+ वाला डिस्प्ले। बाकी ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जब आप इसमें वीडियोज वगैरह देखोगे तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, काफ़ी अच्छे आपको कलर्स देखने को मिलेंगे, और जो बेजल्स हैं इस फोन के वो भी काफ़ी कम आपको दिए गए हैं। नीचे छोटी सी चिन्ह है और ऊपर आपको मिलती है इन्फिनिटी वी नॉच, साइड में बहुत ही थोड़े से आपको बेजल्स देखने को मिलते हैं। अब अगर हम देखते हैं इस फोन का कैमरा, तो यहाँ आपको मिलता है रियर में ड्यूल कैमरास का सेटअप। प्राइमरी कैमरा है 30 MP का F1.9 एपर्चर के साथ, और सेकेंडरी कैमरा है 5 MP का। फ्रंट कैमरा अगर हम देखते हैं तो वो आपको मिलता है 8 MP का F2.0 एपर्चर के साथ, और जो आपको सेकंड सेंसर मिलता है वो है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। इसकी मदद से क्या होगा, आप फोटोज तो वाइड एंगल ले ही पाओगे, साथ में वीडियोज भी आप वाइड एंगल कैप्चर कर पाओगे इसकी मदद से। ये कुछ कैमरा सैंपल्स आप देख सकते हैं। अब आप बताओ सैंपल्स देखने के बाद आपको इस फोन का कैमरा कैसा लगा? मुझे इसका कैमरा ठीक ठाक लगा प्राइस के हिसाब से, उतना अच्छा भी मैं नहीं कहूँगा और उतना बुरा भी मैं इसको नहीं कहूँगा। इसके बाद बात आती है परफॉर्मेंस के बारे में, परफॉर्मेंस आपको इस फोन में कैसी मिलेगी? देखो आपको डे टू डे यूज़ में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, थोड़ी बहुत गेमिंग भी आप इसमें कर सकते हो, कोई आपको शिकायत नहीं होगी। इसमें आपको मिलता है एक्जीनोस का 7884 प्रोसेसर, इसको आप कंपेयर कर सकते हो स्नैपड्रैगन 630 से थोड़ा कम है ये, और 625 से ऊपर है। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप गेमिंग के लिए ये डिवाइस लेना चाहते हो तो ये डिवाइस आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत गेमिंग करते हो, नॉर्मल आपका यूज़ है, तब इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड पाई, और साथ में One UI, यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, One UI मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। पहले हम बात कर लेते हैं गिव अवे में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, फिर हम आगे और बात करेंगे इस फ़ोन के बारे में। देखो दोस्तों जीतने के लिए आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट, और ये याद रखना कि आप एक ID से एक ही कमेंट कर सकते हैं, अगर आपके दो कमेंट्स होंगे तो आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे। मैं रैंडम कमेंट पिकर से दो विनर्स निकालूंगा, उन दोनों को मिल जाएगा सैमसंग गैलेक्सी A20, तो आप जल्दी से पार्टिसिपेट कर लीजिए। आप एक बार हम चेक कर लेते हैं इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक किस तरह से काम करता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर इसका, उतना फास्ट तो हम नहीं कह सकते लेकिन काम ये प्रॉपरली कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हमें डिले देखने को मिल रहा है, अगर हम फेस अनलॉक चेक करते हैं तो वो इसका काफ़ी फास्ट है। बस एक बार आपको लॉक स्क्रीन दिखेगी उसके बाद ये फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। इसके अलावा जो खास बात है वो है इस फ़ोन की बैटरी, यहाँ पर आपको मिलती है 4000 mAh की बैटरी, साथ में USB-C टाइप पोर्ट, और आपको मिलता है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में ही मिल जाएगा, ये मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। बैटरी और चार्जिंग को लेकर आपको इस फ़ोन से कोई भी शिकायत नहीं होने वाली। अब अगर हम बात करते हैं इस फ़ोन के प्राइस के बारे में, तो इस फ़ोन का प्राइस है 12,490। इसमें आपको मिलती है 3 GB की रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। अच्छी बात यह है कि आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिल जाएगा SD कार्ड के लिए, ड्यूल सिम के साथ आप इसमें SD कार्ड भी लगा सकते हो। अब इस फ़ोन की खास बात यह है कि आपको मिल रहा है सुपर एमोलेड पैनल, फास्ट चार्जिंग, 4000 mAh की बैटरी, USB-C टाइप पोर्ट, और जो कमी है इसकी वो ये है प्रोसेसर थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता था,
और डिस्प्ले इसका HD प्लस है, फुल HD प्लस नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात और माइंड में रखनी है कि ये फ़ोन स्पेशली बनाया गया है ऑफलाइन मार्केट के लिए। अगर आपको ऑफलाइन मार्केट से फ़ोन लेना है तब ये फ़ोन आप कंसीडर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।